हेलो एंड वेलकम टू फार्मा माइंड्स। आप लोगों के लिए CUET का मैं वीडियो बना ही रहा था, मतलब बन ही चुका है ऑलमोस्ट, कि इतने में एक न्यूज़ और आती है। वो न्यूज़ मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि जीपैट की डेट आ गई है ना। यहाँ पर आप देख रहे होंगे रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड फॉर जीपैट 2023, डेट दे दी है 21 मई, राइट। और सारी चीज़ें यहाँ पर लिख रखी है, कोई कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स का रहेगा, है ना। सारी चीजें पूरा एक फॉर्मेट दे देते हैं यहाँ पर, और लो जी मजे करो, है ना। बट अब आप देखो ट्रुथ, मैंने यहाँ पर जी पैट और एनटी, देखो ये अपने आप आ गया, इतना सर्च करते हैं हम इसको, और ये आ गया मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब यहाँ पर देखो जो अपडेटेड न्यूज है, क्योंकि यहाँ पर आप खोलोगे तो आपको सीधा अपडेट्स दिखते हैं, है ना। एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एंट्रेंस एग्जाम ऑफ जीपैट 2023, ये दो ही न्यूज पब्लिक नोटिस में दिख रहा है, प्लस न्यूज और इवेंट्स में देखोगे तो भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। और देख लो कोई भी लेटेस्ट न्यूज आता है तो यहाँ पर एक एक मिनट का ब्लिंक चलता रहता है। देखो रजिस्ट्रेशन लिंक है ओपन, जीपैट का रिजल्ट आउट हो चुका है, तो वो सारी डिटेल्स आपको दिख रही हैं। तब भी आपको लग रहा हो ना कि मेरे को नहीं, अभी तो डाउट है, तो आप इसके ना ये यहाँ पर आके ना, ये क्या कहते हैं यार, FAQs पे, क्योंकि FAQs जो है वो अपडेट होता रहता है, तो FAQs पे भी जाके देखोगे ना यहाँ पर नीचे में, तो जो जो चीजें हो चुकी हैं, जैसे कि देखो रजिस्ट्रेशन निकल चुका था, लास्ट डेट भी मिल गया था, करेक्शन का भी टाइम सब कुछ दिख रहा है ना। अब देखो एडमिट कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन अभी भी दिख रहा है कि टू बी अनाउंस्ड ऑन वेबसाइट, और ड्यूरेशन जो है 180। अब देखो डेट ऑफ एग्जाम को मैंने यहाँ पे इग्नोर कर दिया, क्यों, क्योंकि एनटीए भी हमें इग्नोर करके बैठा हुआ है कि डेट अभी तक डेट भी देनी है उनको, है ना। तो वो भी अभी अबाउट टू अनाउंस मैं कहूँगा, क्योंकि अब तो आने ही वाला है डेट कब आ जाए। तो अब इस चीज़ पे ना जाओ, ठीक है, जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन आती है सबसे पहले आप जाओ सीधा NTA.GPAT.IN पे, और वहां पर जाके देखोगे क्या आपको वहां पर दिख रहा है कि हाँ डेट आ गई है, या आपको एडमिट कार्ड आ गया है, या कुछ भी ऐसा आया है क्या, नहीं आया तो आप उसको टोटली धुतकार दो कि हमें नहीं पता, ये टोटल फेक न्यूज है, जिसने भी इसको जनरेट किया पता नहीं क्या मजे आ रहे हैं उसको, लेकिन होता है ना इसको भूल जाओ कि ऐसा कुछ हुआ है। आपको कोई चीज बिलीव रखनी है ना, तो वो ये वाली वेबसाइट पे अगर आपको दिख रहा है ना ये वाला, तभी आपको यकीन करना है, अदरवाइज नो नीड टू बिलीव एनीथिंग जब तक वो आपको इधर ना दिखे, ओके। सो वो न्यूज फेक है, उसको आप भूल जाओ, निकाल दो, जिसके थ्रू आया है उसको दो चार बातें सुना दो कि मजाक नहीं करने काम से है। चलो बाय बाय।